Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mubin Naz. I'm from MK Preparations. And today we are discuss karne ja rahe hain ji NTS ka paper of EST AJK Azad Jammu Kashmir that is held on 30th June 2024. Okay? So today we will paper discuss karenge. MK इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि MK preparations जो है ये बहुत अच्छा channel है for the preparation of different exams. इससे के प्रिपरेशन करवाई जाती है एम के प्रिपरेशंस के थ्रू फॉर द हेडमास्टर्स और फॉर द लेक्चरर्स एज वेल एज ईएसटीज एसएसटीज ठीक है एजुकेटर्स और एनटीएस इन सारे एग्जाम्स के लिए एम के प्रिपरेशंस के थ्रू तैयारी करवाई जाती है और आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं ठीक है. बहुत से सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत से सेशंस कंटिन्यू हैं और बहुत से सेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स. सो यू कैन एनरोल फॉर और यू कैन रजिस्टर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दीज एग्जाम्स इन एम के प्रिपरेशन चैनल. ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम एनटीएस पेपर ईएसटी एजेके दैट इज हेल्ड ऑन 30th जून 2024. ओके जी, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which is the longest river of the world? तो दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है हमारे पास. तो रिमेंबर थिंग कि ये जो चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ, के लेंथ के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है. सो द आंसर इज नील. ओके, रिवर नील जो है इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम. ठीक है, अच्छा जी, इस पेपर में तो जो है वो इसकी लेंथ पूछी गई है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है हमारे पास दुनिया का, वो दरियाए नील है. लेकिन इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इन कमिंग एग्जाम्स. फॉर एग्जांपल के ये जो हमारे पास लॉन्गेस्ट रिवर नील है ऑफ द वर्ल्ड, ये किस कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है. सो इट इज प्रेजेंट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है एंड इट फॉल्स इन मेडिटेरेनियन सी, और ये मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरता है. ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं लॉन्गेस्ट रिवर नील के बारे में जो आपको कमिंग एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं. ओके ओके जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड एंड द लार्जेस्ट रिवर, यानी दूसरा और सबसे बड़ा दरिया कौन सा है हमारे पास. तो यहाँ पे जो है वो लार्जेस्ट पूछा गया है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम और एरिया, यानी कितना एरिया वो कवर करता है. इसमें लेंथ नहीं है, लंबाई नहीं है कि कितना एरिया वो कवर करता है. तो द आंसर इज अमेजोन. रिवर अमेजोन जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड का. ठीक है, और इसके बारे में एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो ये कि किस कॉन्टिनेंट में ये प्रेजेंट है. तो रिमेंबर दिस इज प्रेजेंट इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ओके, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है ऑफ द अमेजोन रिवर. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल मेंबर ऑफ एशियन. तो एशियन के जो टोटल मेंबर्स हैं, इसमें टोटल 10 कंट्रीज आती हैं एशियन में. ओके, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, वो ये कि हेड क्वार्टर ऑफ एशियन कहाँ पे है. सो हेड क्वार्टर ऑफ एशियन इज इन जकार्ता इंडोनेशिया. ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में है इसका हेड क्वार्टर. और सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हेन वाज एशियन एस्टेब्लिश्ड. सो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1967, और कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, इन बैंकॉक थाईलैंड. ओके, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड, एशियन से रिलेटेड, जो आपको कमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट. तो जो ब्लू प्लैनेट है वो हमारे पास अर्थ है. अब इसकी रीजन क्या हो सकती है, इसकी रीजन ये है कि अर्थ में ओशियंस और सीज यानी वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं, पानी प्रेजेंट है, जिसको आपके मैप पे भी ब्लू कलर से शो किया जा रहा होता है. ठीक है, सो जो अर्थ है, जमीन है, ये ब्लू प्लैनेट कहलाता है. ब्लू प्लैनेट क्यों कहलाता है, अगर इसकी रीजन आपको कमिंग एग्जाम्स में पूछी जाए, सो यू वुड आंसर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस एंड सीज. ओके, नाउ इससे रिलेटेड आपको मजीद कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू द प्लैनेट, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं. तो पहला क्वेश्चन ये है जी कि मार्स, मार्स इज नोन एज, मार्स को हम क्या कहते हैं. मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द बिगेस्ट प्लैनेट इज. तो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है दैट इज जुपिटर. ओके,
ओके जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट लेक ऑफ कश्मीर. तो कश्मीर की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? हमारे पास वो है लेक वुलर. ओके, ये डायग्राम में भी आपको शो किया गया है, लेक वुलर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द कश्मीर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है जी 0.1 नैनोमीटर. नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स. ओके, तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर. ओके, अब इससे रिलेटेड भी कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू माइक्रोस्कोप जो आपको कमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, लाइक द टाइप्स ऑफ द माइक्रोस्कोप्स. तो हमारे पास जो है टू टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द सेकेंड वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, ये दो हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ट्रांसमिशन एंड SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, इनके एब्रिविएशन और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स आपको ये पूछी जा सकती हैं इनकमिंग एग्जाम्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बिल्ड करना, तामीर करना किसी चीज को. सिनोनिम का मतलब कि उसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, तो बिल्ड इज द सिनोनिम ऑफ कंस्ट्रक्शन. नाउ सिनोनिम ऑफ एक्सप्रेस. एक्सप्रेस का मतलब होता है जी जाहिर करना, सो डेमोन्स्ट्रेट करना. ठीक है, बयान करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, इसी जो है वो ये सिनोनिम है बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेस का. इसका भी मतलब होता है जाहिर करना. ठीक है, नाउ एंटोनिम ऑफ सेपरेट. सेपरेट जो है उसका मतलब होता है अलहदा होना, तो इसका हम ऑपोजिट बताएंगे, एंटोनिम बताएंगे, इसका मुतजाद बताएंगे, दैट इज यूनाइट. यूनाइट का मतलब होता है इकट्ठे होना. ठीक है, नाउ एंटोनिम ऑफ फेमस. तो फेमस का मतलब है मशहूर, एंड इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा जी अननोन, यानी अनफेमिलियर, अनफेमस. ठीक है, एक ऐसी चीज जो मशहूर ना हो. ओके, नाउ द बुक इज डैश डैश द टेबल. सो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है द बुक इज ऑन द टेबल. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान. नेशनल गेम जो है वो पाकिस्तान की हॉकी है. यूजुअली जो पसंद किया जाता है पाकिस्तान में खेल, वो तो क्रिकेट है जो ज्यादातर लोग खेलते भी हैं, लेकिन हमारा जो कौमी खेल है वो हॉकी है. ओके, नाउ नेशनल ट्री ऑफ कश्मीर. सो इट्स चिनार. कश्मीर का जो कौमी दरख्त है वो चिनार है. कैनेडियन करेंसी. कैनेडियन करेंसी का क्या नाम है जी? कैनेडियन डॉलर. ओके, नाउ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास ऑफ बॉडी. अब बेसिकली जो इनर्शिया है ये हमारे पास न्यूटन के लॉज हैं, और उसमें से जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का वो इनर्शिया है. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज इनर्शिया. इसको इनर्शिया को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू इनर्शिया, इनर्शिया इज एक्चुअली अ टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन टू स्टे इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू स्टे एट रेस्ट. यानी एक चीज अगर मोशन में है, हरकत कर रही है, तो वो हरकत करती रहेगी. अगर वो रेस्टिंग की कंडीशन में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अनलेस अ फोर्स कॉजेज इट्स स्पीड और डायरेक्शन टू चेंज. जब तक हम उस पर कोई जो फोर्स है वो अप्लाई नहीं करते उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए. ठीक है ना, सो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. सो इट्स अ मेजर ऑफ मास ऑफ बॉडी. नाउ सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो मिलके बनी होती है जी फैटी एसिड्स से, लिपिड से और प्रोटीन से. एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे लिपिड बाईलेयर है. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको शो किया गया है, दो लेयर्स हैं हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की, और इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं दैट आर एम्बेडेड, एज वेल एज इसमें कुछ फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रोल और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, फंजाई बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. तो फंजाई की जो बॉडी है वो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से मिलके बनी होती है इस तरह से, दैट आर नोन एज हाइफी. ओके, नाउ व्हेन मुजफ्फराबाद बिकम कैपिटल ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर. सो इन 1948. मोस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है दैट इज चाइना. ओके, नाउ फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. तो मॉडर्न फिजिक्स का जो फादर है उसे वो आइजक न्यूटन है. ओके, न्यूटन जिनको हम कहते हैं. नाउ द सिक्स्थ लेवल ऑफ रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी इज इवेल्युएशन इनटू क्रिएटिंग. बेसिकली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है
एम के प्रेपरेशन के थ्रू पैडागोजी का जो सब्जेक्ट है उसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को भी कवर किया गया है, इसकी अलग से पूरी डिटेल्ड वीडियो है, सो आप इसको समझने के लिए वो देख सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में बेसिकली डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। कॉग्निटिव लेवल है जो डील करता है विद द मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। सेकेंड लेवल होता है हमारे पास इफेक्टिव लेवल जो वैल्यूज के साथ डील करता है। थर्ड लेवल है हमारे पास इसमें साइकोमोटर लेवल, या इनको हम डोमेन्स भी कहते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन दैट डील्स विद द मूवमेंट, ओके। मोटर स्किल्स जो मोटर एबिलिटीज होती हैं, मूवमेंट थ्रू मसल्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। सो इन सब में होता है एवेल्युएशन इनटू क्रिएटिंग, ओके। नाउ डेंसिटी फार्मूला ऑफ आइडियल गैस, सो फार्मूला हमारे पास है जी ये, इसको किस साइन से शो किया जाता है, बेसिकली डेंसिटी के लिए रो का साइन यूज किया जाता है। एम इज द मोलर मैस, ओके, एंड पी इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर, आर इज द आइडियल गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, ओके। सो ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है, ओके। नाउ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अगर हम एक्सटर्नली देखें बॉडी का लार्जेस्ट जो ऑर्गन है वो स्किन है, और अगर हम इंटरनली देखते हैं तो लार्जेस्ट ऑर्गन आपके पास लिवर है, ओके। इंटरनली जो ऑर्गन है लार्जेस्ट हमारी बॉडी का, दैट इज लिवर, एंड एक्सटर्नली अगर हम देखें तो हमारे पास स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ओके। एज वेल एज आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे पास जो फर्स्ट बैरियर और यू कैन से द फिजिकल बैरियर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो वो स्किन है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर एज सिंगल बॉन्ड इन विच थीरी, विस्पर थीरी, ये जो है वो बहुत एक फेमस थीरी है केमिस्ट्री में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थीरी, ओके। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थीरी, सो इसकी अब्रिविएशन यूजली स्टूडेंट्स को जो है वो एक इनके फिंगर टिप्स पे होती है। सो इस थीरी के अकॉर्डिंग जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड्स, ओके। Now 180 m is equal to 1 atmosphere is equal to 101325, okay. Now who is called Rumi-e Kashmir? So Mia Muhammad Bakhsh sahab, okay. Largest terrestrial mammal jo ke khushk jagah pe rehta hai, theek hai, so wo hai ji African elephant. Now when did India file a complaint against Pakistan? 1st January 1948. Parts of Holy Quran by division. तो 114 सूरा, यानी 114 सूरते हैं इसमें तकसीम हुई है पूरे कुरान मजीद की, ओके। नौ फतह मक्का के मौका पर सूरत नाजिल हुई, कौन सी सूरत नाजिल हुई जी, सूरतुल फतह। खातमुन नबीन किस सूरत में आता है, सो सूरह अहजाब में, एंड जंगे मोता में कमांडर कौन थे, खालिद बिन वलीद, ओके जी। तो ये हमारे पास NTS पेपर था ऑफ EST AJK दैट वॉज हेल्ड ऑन 30th June 2024। होप यू लाइक द वीडियो, एंड एम के प्रेपरेशन के थ्रू मस्ट रजिस्टर करें फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हेडमास्टर्स और लेक्चरर्स और NTS की तैयारी के लिए, एजुकेटर्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सो हर तरह के एग्जाम की तैयारी के लिए एम के प्रेपरेशन एक बहुत अच्छा चैनल है, बहुत से सेशंस कंटिन्यू हैं and some are going to start in coming days, okay. So Allah Hafiz.